मैनू SLE नाम की बीमारी एक डायग्नोस हुई सी एंड उदे विच की होंदा उदे विच बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ कहिंदे आ इहनू जिहदे विच तुहाडा जिहड़ा इम्यून सिस्टम होंदा जो कि तुहाडी राखी करदा ऑर्गनस की उहदे खिलाफ़ हो के उहनां ते ही अटैक करना शुरू कर दिंदा। जे कुड़ी ने कोई वड्डा काम करता या कुछ अचीव करता असी कहने कि साडा मुंडा है साडा मुंडा बन के कर रहा है जिवें तुसीं कहा कि तुहाडी भैणा तुहानूं भरा क्यों मंदी है तो मेरे विच हमेशा ये गल आती कि असी कुड़ियां ही बन के वह अचीव क्यों नहीं कर सकदियां। पहले तो जिवें समाज दीआं गल्लां सुणी दी सी कि इदां लगदा सी वी तीन बेटियां लोग मैनू करदे सीगे वी तुहाडे तीन बेटियां पर हुण मैनू कुछ वी नहीं लगदा मैनू बहुत अच्छा लगदा है। तीन सालों तो स्टीरोइड्स खा रही हूँ काफ़ी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन लै रही हूँ तो सब कुछ तो इनाल बॉडी इशूज़ मैं काफ़ी देखने मिले जिवें मैं बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गई मेरा फेस एंड मैनू इन्ना ज़्यादा स्वेलअप हो गई सी मैं कि मैनू रिश्तेदार थोड़ी देर देख के कहते स्कूल मैं एक बार पेपर देन गई तो मैं देख के कहते पाँच मिनट बाद की तवलीन तो मैं कहती सी हाँ तवलीन तो मेरी यह बेसिकली हालत एंड मैं मेरे वाल भी नहीं उस टाइम सी मैं गंजी हो गई सी तरह ना जो किसी घर भी बुखार होंगे मैं उस कमरे में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कैच कराँगी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इस टाइम जीरो हुई हुई है। तवलीन मेरी सब तो बड़ी बेटी है तो आफ्टर क्रॉनिक डिजीज इन्नी बड़ी बीमारी तो भी बाद भी उसने जो हिम्मत दिखाई मैं उसे बहुत प्राउड फील करती हूँ। इंडियन मेंटालिटी नहीं मैं सब दी एक सोच बनी होती है कि जब तक हाथ पैर टूट के बंदा मंजे ते ना पै जाए ना तब तक बंदा बीमार नहीं है। मैं उन्होंने अपनी वड्डी सिस्टर नहीं मैं उन्होंने अपना वड्डा ब्रदर मानती हाँ क्योंकि इन्नी प्रॉब्लम विचों निकल के भी उन्होंने साडे पेरेंट्स से मेरी छोटी से साडी होर छोटी सिस्टर है साढ़े दोनों का इन्ना ध्यान रखा फिर मम्मा पापा नाल इन्ना खड़े जिवें घर विच कोई भी प्रॉब्लम होवे तो बहुत उन्होंने ध्यान रखे। इंटायर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हुए पे हुए है एंड उन्होंने देख के कई बार डर लगता सी कि हो गया मैं कल्ली भी कई बार बैठ के रोई हाँ पर जिवें उन्होंने देख के उन्होंने मुँह से स्माइल जो देखती सी ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाती। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ। ਦੀਵੇ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧੀਆਂ ਜੋ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਵਲੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਵਲੀਨ ਹੋਰੀ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤਵਲੀਨ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤਵਲੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਵਲੀਨ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
जे कुड़ी ने कोई वड्डा काम करता या कुछ अचीव करता असी कहने कि साडा मुंडा है साडा मुंडा बन के कर रहे हैं जिवें तुसीं कहा कि तुहाडी भैणां तुहानूं भरा क्यों मंदे है तो मेरे विच हमेशा यह गल आती कि असी कुड़ियां ही बन के वह अचीव क्यों नहीं कर सकदियां तो सानू जे असी वह अचीव किया सानू यह क्यों कहा जाता कि तुसीं पुत बन के दिखाओ असी कुड़ियां बन के कर सकते हैं एंड असी कुड़ियां ही बन के हुण मैं वो मैनू अपनी वड्डी भैन समझते हैं उन्होंने पता है कि भावें जे वीरा भी होंदा या कुछ कोई भी होंदा मैं उन्हां दी उंजी उन्हां नाल सपोर्ट करदी एंड सब कुछ सेम ही होंदा तां मतलब मैनू इस चीज़ का मैनू काफ़ी लोग आके कहिंदे आ बट असी कुड़ियां नू कुड़ियां बन के ही एप्रीशिएट क्यों ना करिए पर ये कीता नहीं है कभी किसी ने तुसी की तजर्बा है तुहाडा तुहाडे रिश्तेदार या जो भी तुहाडे परिवारक मैंबर ने जॉइंट फैमिली च रहने हो तुसी तुहाडे फादर साहब ने दसिया कि अक्सर सारे कहंदे सी कि तीन कुड़ियां हो गईयां ने एक मुंडा हो जांदा तां चंगा सी सारे रिश्तेदार आई कहंदे बेसिकली सारे एक कहंदे जिवें हौंसला देंदे या कुछ एवें करदे हो जिन्हों आप सिंपथी कह दें कि वो तुहाडे तीन कुड़ियां कुछ नहीं होंदा है ते कुड़ियां अजकल मुंडे वर्गियां ही हैं वही जेडे डायलॉग जे रट्टे होंदे रिश्तेदारां नू पर मैं कदे मतलब ऑब्वियसली मदर फादर एक पेरेंट्स नू होंदा कि सानू क्यों कहा ता ही मैं उन्हां दी शान बनना चाहनी हाँ ता ही मैं अपनी मेरी सिस्टर्स वर्क कर रही हूँ ताकि असी उन्हां नू दिखा सकीए कि जेड़ा तुसी सानू आके साडे ते एक दया दिखा रहे सी तरस करन दी लोड़ नहीं सानू सानू उहदी लोड़ नहीं है असी उत्थों कई अगे हाँ तो असं उत्तों कई अगे अचीव कर सकते हैं कई अगे हासिल कर सकते हैं तवलीन जिंदगी उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी ने यह सियाने कहें कि जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आने बहुत लाजमी ने क्यों लाजमी ने क्योंकि जो उतार चढ़ाव ना आए असी जिंदगी दे तजर्बे जिहड़े साडे ने होर चंगे किस तरह होंगे असं किस तरह जाणांगे कि जिंदगी असल दे विच है कि तुहाडी जिंदगी दे विच पहला उतार या पहला चढ़ाव कदों आया मेरी जिंदगी छोटे होंदे तो ही काफ़ी उतार चढ़ाव नाल भरी हुई है मेरे मैं अपने घर डिप्रेशन जॉइंट फैमिली सी ऑब्वियसली तो मैं ऐसा सब देखे तो एक बच्चा वो देख के थोड़ा डिस्टर्ब होंदे है मेरी स्टडीज़ से बट मैं हमेशा उस चीज़ नू कंट्रोल करके अगे वधन की कोशिश की मैं काफ़ी स्कूल कॉम्पीटिशन विच इनवॉल्व हुई तो मैं हमेशा यही सोचती सी कि आप कहने होंने कि हर एक जिहड़ा सक्सेसफुल आदमी है ओदी लाइफ विच एक स्ट्रगल सा चैप्टर होंदा एक मुश्किलां दा ही चैप्टर ओदी पूरी बुक विच जरूर होंदा तो यह मेरी मुश्किलां दा चैप्टर है फिर जदों मैं थोड़ी वड्डी हुई उदों जदों मैं 10th क्लास विच सी उदों मैनू एक बीमारी डायग्नोस हुई ते जिन्हें कि मेरे सारे लाइफ प्लान्स चेंज करते तो वह मेरी जिंदगी विच काफ़ी ज़्यादा वड्डा मोड़ लेके आया मेरे मैं पर हमेशा थोड़ा टाइम लग गया एक्सेप्ट करन नू बट मन विच हमेशा यही सी कि सीखना मतलब किताबां तो आपां सीख सकते हैं पर जिंदगी नू सीखना बहुत जरूरी है कि अगे तुसी लाइफ नाल कि हले तो बहुत यंग एज है तुसी अगे लाइफ नाल किवें डील करना है ते किस तरह उन्हू हैंडल करके चलना है तो मैं इनू अपनी एक सिख मनती हाँ कि इधरों मैं बहुत कुछ मिले मैं कॉन्फिडेंस मिले तो मैं बहुत कुछ सीख लेकिन कि बीमारी डायग्नोज हुई सी जिन्हें इदा हिला के रख दिता या मोड़ ले आया जिंदगी दे विच मैनू SLE नाम की बीमारी एक डायग्नोस हुई सी एंड उहदे विच की होंदा है उहदे विच बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ कहिंदे आ इहनू जिहदे विच तुहाडा जिहड़ा इम्यून सिस्टम होंदा है जो कि तुहाडी राखी करदा ऑर्गनस की उहदे खिलाफ़ होकर उन्हां ते ही अटैक करना शुरू कर दिंदा है तो लूपस बेसिकली इहदा शॉर्ट नेम लूपस है इहदे विच की होंदा है इहदे विच उह जिहड़े अपने बॉडी दे सैल्स होंदे है उह हैड टू टो सिर तो लैके पैर तक तुहाडे किसी भी बाहरले या अंदरले ऑर्गन ते अफेक्ट कर सकते हैं हुण जिवें मेरी किडनीज़ काफ़ी अफेक्ट हो गई सी तां हैगियां एक्चुअली तां इस काफ़ी देख के चलना पैंदा इस मतलब मैं 3 साल हुण हो गए मैनू इस बीमारी नाल एंड मैं 3 सालों तो स्टीरोइड्स खा रही हूँ काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन लै रही हूँ तो सब कुछ तो
ਇੰਨਾ ਬੋਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਅਪ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਫੇਸ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਵਲੀਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤਵਲੀਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਲਤ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ, ਉਹੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਊਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਵਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ
कई बार बेहोश हो जाना या फिर कंबन लग मेरे हाथ पैर कंबन लग जाने, एनजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, क्योंकि यह चीज़ थोड़ी साइकोलॉजी से साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा टोल लेंदा है। तो इन्ना गुस्सा चढ़ना अपने आप विच, क्योंकि एक पॉइंट ते आके बंदा अपनी बॉडी तो तंग हो जाता है। तो उस चीज़ नो हैंडल करना वगैरह, मैं यही कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैं 2 साल पूरे स्कूल नहीं गई, +1 +2, एंड मैंने यही किया गया। मैं 10th विच जो नवी नवी बीमारी हुई सी, मैंने मेरे पेरेंट्स ने कहा से ड्रॉप कर दे, मैं उदो भी जिद नाल ड्रॉप नहीं किया। एंड मैंने +2 विच भी कहा से कि रहन दे ना कर, से मैं उदो भी ड्रॉप नहीं किया, बट आई स्कोर्ड वैल। तो फिर उन्होंने होया कि फिर उन्होंने भी प्राउड फील किया कि हाँ असी अपने बच्चे नूं रोक रहे सी, क्योंकि कितने ना कितने वो हिम्मत दब जाती है, बट वो हिम्मत होंदी है, उन्हों कढ़ना एंड उदे ते वर्क करना बहुत और दूसरे नूं प्रूव करना, प्रूव करना। मेरा बेसिकली पॉइंट ही यही रहा है कि मैं जेडे रिश्तेदार आके बोलते सी कि रिश्तेदारा ने आके बोलना कि कुड़ी है वड्डी हो रही है, हूँ इन बीमारी हो गई है, हूँ विह कि करावे या की होएगा। तो मैं कहती होंगी सी कि मैं किसी रिच हसबेंड की लोड़ नहीं है, आई विल बी अ रिच वूमेन, आई विल अर्न, मैं मतलब मैं एक मैं अपने आप से स्टैंड होवांगी, सेल्फ डिपेंडेंट होवांगी, कि मैं किसी की लोड़ ही नहीं पेगी। तो जिन्हें जो लाइफ में अगे होएगा मैं अपने आप हैंडल करांगी एंड देखी जाएगी जिमें होएगा। जो हमेशा प्रूव करके दिखाया भी है, तुम 12th के अच्छे स्कोर्स लेके जो 12th क्लीयर की है, तुहाड़े फादर नूं बहुत प्राउड है इस चीज़ से कि इन्नी मेडिकल इशूज होने के बावजूद तवलीन सानू भी सपोर्ट करती रही है, पढ़ाई भी की है। तो तवलीन का ये ड्रीम है कि फादर के नाल बिजनेस ज्वाइन करे, है ना। मैनू क्योंकि साढ़े साड़ी फैमिली विच ही एक 5 साल का बच्चा है, एंड जो मेरी फैमिली तो चलो शुक्र है अच्छी है, बट बाकी लोगों ने आना जिमें नॉर्मली महल्ले वालों ने या कुछ भी, तो उन्होंने आके कहना कि यह जिहड़ा छोटा बच्चा है ना, यह थोड़ा बिजनेस संभालेगा अगे जाके। थोड़ा काम कराना वगैरह, मैं ईवन हुणे दुकान ते बैठ जाना या फिर गल करनी, पापा जितों बाय मतलब बाय करके लियांदे समान वगैरह खरीद के, उत्थे उन्हां नाल गल करनी, यह चीज़ों में मैंने हमेशा इंट्रस्ट रहा कि मैं अपने मेरे पेरेंट्स ने गल्लां सुनी है, तो मैं जो मेरे पेरेंट्स ने बर्दाश्त किया है उदा कोई मुल पाए। अक्सर सियाने भी यही कहें कि धियां नूं तां बाप कह दिंदा है मेरा पुत्र है, पर पुत्र नूं कदी नहीं कह सकता है मेरी धी है। मैं उही तुहानूं कहि कि यह गल तो बिल्कुल हैगी है, तो मैं तुहानूं जिहड़ी स्टार्टिंग विच गल कही सी, हाँ मैं अपने पापा दी भी सपोर्ट है एंड मम्मा दी भी, हुण जिवें मम्मा ने भी बहुत मम्मा भी आके मेरे नाल गल करनगे या कुछ करनगे, तो मम्मा बेसिकली मैं अपने पेरेंट्स एंड मेरी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन विच सीगी जिन्हों इनिशिएटर्स ऑफ चेंज कहिंदे, एंड उत्थे मैं काम किया है काफ़ी साल, मैंने हुण 3 साल उत्थे हो गए। तो जिस साल मैं ज्वाइन की सी उस साल मैं डायग्नोस हुई सी, ते उत्थे मैं नाल काम करती रही हूँ, ईवन जो तो बीमार सी उदों भी। तो उस फैमिली ने मेरी काफ़ी सपोर्ट की, जिवें जो मेरी बॉडी स्वेल हो गई सी या कुछ सी, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट सी कि तुम्हें पता कुछ नहीं होया, तू ठीक लग रही है, किसी नूं पता ही नहीं सी कि मैनूं की है, एंड मैं 3 साल तक किसी नूं डिस्कलोज नहीं किया। अज मैं पहली बार ओपनली गल कर रही हूँ न्यूज़ चैनल पर गल कर रही हाँ, तो बट +1 +2 मैं जिम्मे बिल्कुल स्कूल नहीं गई, तो मेरे टीचर्स ने मेरा इन्ना सपोर्ट किया,
क्योंकि किसी नूं भी एवें अलाउड नहीं होंदा, बट उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी, उन्होंने देखा कि मतलब यह बच्चा साढ़े को छोटे होंदे कॉम्पीटिशन आंदा रहा है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की। एंड मेरी IOC फैमिली ने मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की, जो मैं गंजी हो गई सी, जो मैं बहुत मोटी हो गई सी, कि उदो मेरी IOC फैमिली सी कि यू आर द स्ट्रोंगेस्ट, तू मेरी तुसी साड़ी मोटिवेशन हो या कुछ है, सारे बंदे मेरे नाल मिल के गल करनी ते हो, तो इस चीज़ ने बहुत हेल्प की बाहर आने विच। मैनू लगता है कि अपनी फैमिली नाल ते अपने क्लोज सर्कल नाल कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। तवलीन, जो एनजाइटी होंगी है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो अपने आप को सामना बड़ा औखा होंगे, तो अजि सिचुएशन के परिवार सपोर्ट कर रहा है, तो इदा फील नहीं होंगे कि मैं एक ही हो रहा मेरे नाल, क्यों मेरे परिवार को भी मेरे नाल दिक्कत का सामना करना पै रहा? मैं एक चीज़ बहुत होंगी सी कि मैं वड्डी हो, मैं हमेशा सोचती सी कि मैं जो 18 साल की हो जाऊँगी ना, उदो मैं अपने आप विच हो जाऊँगी, तो मैं अपना कमावगी, मैं अपने पेरेंट्स को ट्रबल क्यों देव किसी भी तरह की। तो हूँ मैं होंगे कि मेरी कई बार रात इन्नी तबीयत खराब होंगी, मम्मा पापा को आके मेरी लत्तां घुटनियां पैंदियां या फिर मेरे को बैठना पैंदा, तो मैं होंगे कि मैं क्यों बुला रही हूँ पापा ने, मैं खुद इन्नी वड्डी हूँ, पापा मेरिया लत्तां क्यों घुट रहे हैं, तो खुद अपने आप में मैं ये काफ़ी कॉम्पलैक्स सी। बट कितने ना कितने इस चीज़ तो भी बार यह एक्सैप्टेंस लैनी पैंती है कि हाँ, किसी पॉइंट पर थोड़ा हेल्प की लोड़ हैगी है। एंड जो तुसी उस फेस तो बाहर आ जाओगे, उदो तुसी अपनी फैमिली नू कदे रिपे तो नहीं कर सकते, पर तुसी उदा ही मतलब जिन्नी खुशियां उन्हां नू दे सकते हो, इन्ना सैक्रीफाइस करन लई मेरे वास्ते मैं उन्हां नू ओ खुशियां देने की कोशिश करां। लेकिन जिहड़े स्टेरॉइड्स लै रहे हो इन्ने लंबे समय तो, उहदे की साइड इफेक्ट्स देखे ने हुण तक, या आने वाले समय दे विच की कहिंदे ने डॉक्टर्स की बॉडी या इम्यूनिटी की असर पैण वाला इन्हां स्टेरॉइड्स का? जे मैं टेक्निकली समझावा तो जेडे मेरे स्टीरॉयड्स है वो यह करते हैं, हूँ जिमें मैं तुम दसिया कि यह डिजीज़ अपने सैल्स अपने ऑर्गनस न खत्म करती है, तो ये की सी जेडे मेरे स्टीरॉयड्स है वो मेरा इम्यून सिस्टम जिन्हों कहते हैं उन्होंने वीक कर देंगे, ताकि वह मेरे ऑर्गनस न खराब ना करे, तो वो मेरी इम्यूनिटी काफ़ी घट जाती है। हूँ मैं इन्नी ज़्यादा मतलब वो हैगी खुद, मैं किसी मतलब बाहर जा नहीं सकती, जो किसी को काफ़ी बुखार होता है मैं उस कमरे में नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कैच करांगी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इस टाइम जीरो हुई हुई है। तो मैं उस चीज़ तो मेरी बॉडी से मार्क्स आ गए स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स नाल काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी ईवन मेरी इंटायर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स पे हुए है। एंड उन्होंने देख के कई बार डर लगता सी कि हो गया मैनू, तो वो भी चीज़ काफ़ी औखी सी। मैं तुम्हें दसा फेस स्वेलअप हो गया, मैं तुम्हें दसा वाल चढ़ गए, तो यह सब कुछ हमने जी हमने भी स्वेलिंग है, यह भी सारी हमने मैं स्टेरॉइड्स लै रही हूँ कारण ही है। तो दिन की शुरुआत इन दवाइया ही होंगी है? मेरी दिन की शुरुआत इन दवाइया नाल होंगी है, मेरी रात इन दवाइया नाल होंगी है। कितनी गोलियां दें जिड़िया खानिया पैंदियां? मैं दिन दिया 10-15 गोलियां आराम नाल खानिया पैंदियां। अच्छा, 10-15 टैबलेट्स लैनिया पैंदियां सवेर तो लेके रात? यस, क्योंकि सवेरे अलग टैबलेट्स तुहानू लैके देंगे, राती अलग टैबलेट्स तुहानू लैके देंगे। कीमत भी बहुत ज़्यादा होनी है क्योंकि मैनू, हाँ जी, मैनू जदों मैं मेरा एक सोसाइटी लिए काम करना हमेशा तो मोटिव सीगा, तो जो मैं डायग्नोस हुई उदो मैं देखा कि मेरी इन्नी ज़्यादा महंगी मेडिसिन्स है, तो हर कोई तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाता होएगा, कि काफ़ी औखा जेड़ा जेड़ा बंदा औखा है, जिदा गुजारा ही औखा हो रहा है फैमिली का, वो इन्नी महंगी दवाइयाँ किमें अफोर्ड करेगा। तो एक टाइम मतलब मैं ऐसी दवाइयाँ खा रही थी कि मैं एक पर्टिकुलर दवाई दी 6 गोलियाँ दिन में खा रही थी, 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम, तो वो एक गोली की कीमत 100-120 MRP, क्योंकि पिछों इन्नी छप के आती है 120 रुपए की एक टैबलेट, एक टैबलेट तो तुसी दिन दिया 15-6 खाती, 6 गोलियाँ खाई, 2 सवेरे 2 दोपहर 2 राती, ठीक है, तो मैं बीमार हो गई शुरू हुई। हाँ, बट उही एक्चुअली
ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਹੋ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਵਲੀਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਧੀ ਕਹਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ